हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। ये एक वर्ष का जो करंट अफेयर्स का पूरा एक सीरीज है, ये पहला भाग है जिसमें हम जनवरी 2020 से शुरू कर रहे हैं और इसको सितंबर 2020 तक का टोटल करंट अफेयर्स परीक्षा के दृष्टिकोण से, जो आईएएस और पीसीएस की परीक्षाएं होने वाली हैं उसके दृष्टिकोण से जो जो चीज़ें महत्वपूर्ण हो सकती हैं उन चीज़ों को इसमें शामिल करने का प्रयास किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कुछ भी नोट डाउन करने की ज़रूरत है। सिर्फ आप इत्मीनान से बैठ करके पूरा वीडियो देखें और परीक्षा के पहले आप इसको जितनी बार हो सकता है उतनी बार आप इसे देख लें, और वहाँ पर जब आपके सामने प्रारंभिक परीक्षा के विकल्प, प्रश्नों के विकल्प सामने आएंगे तो निश्चित तौर से विश्वास है कि चीज़ें आप टैली कर ली जाएंगे। सिर्फ आपको देखना है, कुछ भी नोट करने की ज़रूरत या रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इसे दो या तीन बार देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। देखिए, पहला है निर्मल किला के विषय में देखेंगे और उदासी मठ, जो चीज़ें चर्चित रही हैं उन्हीं पर हम बात करेंगे। निर्मल किला, निर्मल किला जो है वो तेलंगाना राज्य में स्थित है और ये आदिलाबाद जिले का एक प्रमुख नगर है। इस क्षेत्र पर कभी जो है काकतीय, चालुक्य, कुतुब शाह और निजामों का जो है शासन हुआ करता था। निर्मल किला, जिसको सामगढ़ किला भी कहा जाता है, इसका निर्माण फ्रांसीसियों के द्वारा करवाया गया था। ये जो निर्मल शहर है वो तस्तरी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की जो तस्तरियाँ हैं उसमें लघु चित्रकारी और पुष्प जो कलाकृतियाँ होती हैं उसके लिए फेमस हैं। उदासी मठ, उदासी मठ जो है वो दीवान चंदूलाल, जो कि निज़ाम आसफ जाह तृतीय के प्रमुख मंत्री थे, उन्होंने 1822 के आसपास निर्मल नगर में ही उदासी मठ का निर्माण करवाया था। उदासी मठ क्या है? देखिए, उदासी जो संप्रदाय है वो गुरु नानक जी के बड़े पुत्र चंदा जी की शिक्षाओं पर आधारित हैं, और श्री गुरु नानक देव जी ने ईश्वर के वास्तविक संदेश को फैलाने के लिए चारों दिशाओं में यात्राएं की थी, और इन्हीं यात्राओं को चार उदासी के रूप में जाना जाता है। तो ये उदासी मठ जो है वो निर्मल शहर में ही स्थित है। तो निर्मल किला और उदासी मठ। देखिए, अगला जो है न्यूज, तिब्बती गैज़ल। तिब्बती गैज़ल क्या है? इसको जो है गोवा प्रोकापा पिक्टी काउडाटा के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम है इसका? गोवा प्रोकापा पिक्टी काउडाटा। तिब्बती गैज़ल जो है एंटीलोपिना उपपरिवार का एक सदस्य है, और ये क्या है? एक मृग की प्रजाति है। ये एक मृग की प्रजाति है जो तिब्बत के पठारी क्षेत्र में निवास करती है, तिब्बती गैज़ल, इसीलिए इसका नाम तिब्बती है। तिब्बती गैज़ल क्या है? एक मृग है, और मृग जो ये है वो IUCN के लाल सूची में रखा गया है, इसको नियर थ्रेटेंड में, यानी इस पर जो है संकट आ सकता है, यानी संकट के निकट है, निकट संकट की श्रेणी में रखा गया है। मकर विलक्कू महोत्सव, देखिए मकर विलक्कू महोत्सव जो है वो केरल में मनाया जाता है। ये केरल के सबरीमाला मंदिर में जो है मकर संक्रांति पर आयोजित होने वाला एक वार्षिक उत्सव है। क्या नाम है उत्सव का? मकर विलक्कू। इस उत्सव के दौरान जो है प्रकाश, जिसको वहाँ की स्थानीय भाषा में मकर विलक्कू कहा जाता है, सबरीमाला मंदिर के पास स्थित जो है पोनम्बल मेडु नामक पठार पर जलाया जाता है प्रकाश, इसीलिए इसको जो है प्रकाश का उत्सव है, इसको मकर विलक्कू कहा जाता है। किस पठार पर जो है ये प्रकाश जलाया जाता है? वो जो है पोनम्बल मेडु नामक पठार। मांडू उत्सव क्या है? देखिए, मांडू जो है वो मध्य प्रदेश का एक उत्सव है, मध्य प्रदेश में इस उत्सव को मनाया जाता है, और इसको पर्यटन जो बोर्ड है उसके द्वारा ये महोत्सव जो है आयोजन किया गया है, मांडू उत्सव। ये जो मांडू उत्सव है वो, उसका मतलब है किस चीज़ पर ये आधारित है? ये खोजने में खो जाओ, खोजने में खो जाओ के विचार पर
इसको जो है आयोजित किया गया था, किसके द्वारा? पर्यटन बोर्ड के द्वारा मध्य प्रदेश में। संगीत कला निधि पुरस्कार दिए जाते हैं। हाल ही में जो है एस सौम्या को जो है संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये जो संगीत कला निधि पुरस्कार है वो मद्रास संगीत अकादमी के द्वारा प्रदान किया जाता है और कर्नाटक के संगीत के क्षेत्र में ये पुरस्कार सर्वोच्च पुरस्कार है। संगीत कला निधि पुरस्कार एस सौम्या को दिया गया। ये मद्रास संगीत अकादमी के द्वारा दिया जाने वाला कर्नाटक का सबसे ऊंचा पुरस्कार है संगीत के क्षेत्र में। इस पुरस्कार में एक स्वर्ण पदक दिया जाता है, एक बिरुद पत्र यानी उद्धरण पत्र दिया जाता है संगीत कला निधि पुरस्कार में। मणि ऐप जो क्या है, यानी मनी ऐप इसको भी कहेंगे, MANI। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक जो है उसने करेंसी नोटों की मूल्य यानी कितने रुपए की नोट है उसको पहचान करने के उद्देश्य से, खास करके किन लोगों के लिए, दृष्टिबाधित लोगों के लिए, एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। उस मोबाइल ऐप का नाम है मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर, यानी मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर यानी मनी ऐप जो है वो नोट को पहचानने वाला ऐप है और ये दृष्टिबाधित लोगों के लिए यानी ब्लाइंड पर्संस के लिए ये ऐप बनाया गया है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। इस एप्लीकेशन में क्या होता है, देखिए, इस एप्लीकेशन के द्वारा मोबाइल फ़ोन का जो कैमरा है उसके द्वारा करेंसी नोट को स्कैन किया जाता है और उससे पता चल जाता है कि ये नोट कितने रुपए की हैं। हालांकि ये जो मनी ऐप है वो असली नोट या नकली नोट की पहचान नहीं कर पाता है। नर्स और मिडवाइफ वर्स, देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है WHO उसने फ्लोरेंस नाइटिंगेल की 200वीं वर्षीय जो जयंती है उसके उपलक्ष्य में 2020 को नर्स और मिडवाइफ वर्ष के रूप में नामित किया है। देखिए, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के विषय में आप सभी जानते हैं, एक बहुत फेमस सेविका थी, नर्स थी। उनकी 200वीं वर्षगांठ के जो है जयंती के उपलक्ष्य में WHO ने 2020 को नर्स और मिडवाइफ वर्ष के रूप में नामित किया है। देखिए, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के विषय में जान लेते हैं। ये जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल हैं वो एक ब्रिटिश नर्स थी, सांख्यिकीविद थी और समाज सुधारक भी थी। इनको आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। वो घायलों की सहायता रात में करती थी, एक लैंप लेकर के जाती थी और घायलों की सहायता किया करती थी, इसलिए इनको जो है लेडी विद द लैंप के रूप में भी जाना जाता है, यानी लैंप के साथ महिला, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। और इन्हीं की याद में जो है 2020 को नर्स और मिडवाइफ वर्ष घोषित किया गया है WHO के द्वारा। वारली जनजाति, देखिए, वारली जनजाति चर्चा में रही है। वारली एक स्वदेशी जनजाति है जो महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा पर पहाड़ियों एवं तटीय इलाकों में रहती है। ये जनजाति वारली जो है चित्रकारी एक होती है, इन्हीं के द्वारा वारली चित्रकारी मनुष्य और प्रकृति के बीच में घनिष्ठ संबंध को दर्शाती है। इन्हीं जनजातियों के द्वारा ये चित्र बनाए जाते हैं जिनको वारली चित्रकारी कहा जाता है। धनु यात्रा क्या है, देखिए, उड़ीसा के बरगढ़ शहर में धनु यात्रा की गई है। ये 11 दिन की यात्रा थी। कहाँ पे की गई है? उड़ीसा में, बरगढ़ शहर में, उड़ीसा में है बरगढ़ शहर, वहीं पर ये 11 दिन की धनु यात्रा की गई है। देखिए, धनु मतलब यहाँ पर होता है धनुष। ये खुले स्थान पर मनाया जाने वाला एक नाटक है, नाट्य उत्सव है। ये समझिए, नाटक वैसे तो स्टेडियम वगैरह में होते हैं, हॉल में होते हैं, लेकिन ये खुले स्थान पर मनाया जाने वाला एक वार्षिक नाट्य है। और ये किस चीज़ पर आधारित है, ये देखिए, जो मामा कंस, जिसे आप भगवत गीता में पढ़ते हैं, भगवत महाभारत में भगवान कृष्ण और उनके मामा कंस की एक कहानी है, उसी पर आधारित जो है ये धनु यात्रा है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल माना जाता है, यानी कि खुले आकाश के तले सबसे बड़ा थिएटर
यानी मंचन जो किया जाता है, इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है कि इतना बड़ा मंचन जो है ओपनली खुले आकाश के नीचे कहीं और नहीं होता है। और ये कृष्ण और कंस मामा के जो है कहानी पर आधारित है। और 2014 में धनु यात्रा को राष्ट्रीय त्यौहार का दर्जा जो है भारत सरकार के संस्कृत मंत्रालय ने दिया था। युवा वैज्ञानिक प्रयोगशाला, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो DRDO है, DRDO की 5 युवा वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं देश को समर्पित की हैं। देखिए जो DRDO है उसकी 5 वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं हैं युवाओं के लिए, उनका उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ये प्रयोगशालाएं देश के 5 शहरों में हैं। कहां कहां पर हैं? बंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद, वहां पर ये प्रयोगशालाएं जो हैं संचालित की जाएंगी। होमो इरेक्टस के विषय में न्यूज है। देखिए होमो इरेक्टस चर्चा में है, नाम क्या है? नेचर पत्रिका में, नेचर जो पत्रिका है उसमें एक प्रकाशित हुआ अध्ययन या एक शोध प्रकाशित हुआ जिसमें आधुनिक मानव को हम क्या कहते हैं? होमो सेपियंस उसका वैज्ञानिक नाम है। और इसका जो सबसे करीबी पूर्वज है उसका नाम है होमो इरेक्टस। तो ऐसा शोध किया दिखाया गया है, इसमें लोग कहा गया है नेचर पत्रिका में कि जो होमो इरेक्टस है उसको अंतिम बार में जो है इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर जो है उसकी उपस्थिति दर्ज की गई थी। यानी होमो इरेक्टस की जो साक्ष्य हैं वो इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर अंतिम बार पाए गए। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि जो ये प्रजाति है यानी होमो इरेक्टस, ये इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर सोलो नदी के पास में जो है रहती थी। वहाँ पर स्थान है नागनडोग, वहाँ पर ये प्रजाति होमो इरेक्टस जो है वो रहती थी। देखिए वैज्ञानिक मानते थे कि जो प्रारंभिक मानव के पूर्वज हैं वो 4 लाख वर्ष पहले ही पृथ्वी पर से विलुप्त हो गए थे, यानी वो लोग अब नहीं पाए जाते थे। लेकिन अभी नए शोधों से ये पता चला है कि लगभग जो है 1,17,000 से 1,08,000 वर्ष के बीच में जो है इस क्षेत्र में यानी जो इंडोनेशिया का जावा द्वीप है यहाँ पर ये प्रजाति रहा करती थी होमो इरेक्टस। घटप्रभा नदी, देखिए घटप्रभा नदी क्या है? कृष्णा नदी की सहायक क्रिया है, वो जो है सहायक नदी है, आप जानते हैं। घटप्रभा जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी है जो कर्नाटक में प्रवाहित होती है। और कर्नाटक में जो घटप्रभा नदी है इस पर हिडकल परियोजना का निर्माण किया गया है। क्या नाम है परियोजना का? हिडकल परियोजना। ये जो हिडकल परियोजना है कर्नाटक के बेलगावी जिले में स्थित है। घटप्रभा कृष्णा नदी की सहायक नदी है और इस पर हिडकल परियोजना कर्नाटक के बेलगावी जिले में बनाई गई है। देखिए उड़ीसा की कुछ जनजातियां जो है चर्चा में रही हैं, उनके नाम आपको जानना चाहिए। जुआंग जनजाति उड़ीसा में पाई जाती है और पुड़ी भुइयां जनजाति भी जो है उड़ीसा की ही जनजाति है। चर्चा में रही हैं कुछ न्यूज में, तो ये पूछी जा सकती हैं आपसे। राजनीतिक दल पंजीकरण ट्रैकिंग प्रबंधन प्रणाली एक नया सिस्टम है। देखिए क्या है ये? भारत निर्वाचन आयोग ने ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से एक राजनीतिक दल पंजीकरण ट्रैकिंग प्रबंधन प्रणाली प्रारंभ किया है। क्या है इसमें? देखिए इसके द्वारा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदक जो हैं वो दलों के पंजीकरण संबंधी आवेदन की स्थिति का पता लगा सकेंगे इस माध्यम से। नृत्य कला निधि पुरस्कार, 3 जनवरी 2020 को मद्रास संगीत अकादमी में शुरू हुए 14वें नृत्य महोत्सव में प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्यांगना प्रिय दर्शनी गोविंद को नृत्य कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नृत्य कलानिधि पुरस्कार किसको दिया गया है? प्रिय दर्शनी गोविंद के जो है नृत्य के लिए दिया गया है, प्रिय दर्शनी गोविंद को। ये भरतनाट्यम की नृत्यांगना है। तो भरतनाट्यम क्या है? देखिए भरतनाट्यम जो है
वो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से जन्मी हुई एक नृत्य शैली है और इसका विकास जो है वो तमिलनाडु में हुआ। ये तमिलनाडु की नृत्य शैली है भरतनाट्यम, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। मंदिरों में देवदासियों के द्वारा इसको शुरुआत में प्रारंभ किया गया था और 20वीं सदी में रुक्मणी देवी, अरुंडेल और ई कृष्ण अय्यर के प्रयासों से जो है ये फिर से जो है विकास के रूप में सामने आया, विकसित हुआ। जो भरतनाट्यम होता है इसमें कविता पाठ करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, नटवनार, इसको क्या कहते हैं, नटवनार। और ये जो भरतनाट्यम नृत्य है वो एकल स्त्री नृत्य है, यानी कि इसमें एक स्त्री जो है सिंगल नृत्य करती है, ये समूह नृत्य नहीं है, एक व्यक्ति इसको प्रस्तुत करता है, स्त्रियों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। 107वीं विज्ञान कांग्रेस, देखिए भारतीय विज्ञान कांग्रेस 107, 3 जनवरी को कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय बंगलुरु में 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की शुरुआत की गई, वहीं पर ये कांग्रेस संपन्न हुई। इसकी क्या थीम थी, तो ये जो 107 कांग्रेस थी इसका जो थीम था वो था विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास। बंगलुरु में कई बार ये आयोजन हो चुका है, ये 9वीं बार जो है बंगलुरु में ये आयोजन किया गया था। इसके पहले जो 106वां अधिवेशन था वो जालंधर पंजाब में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में किया गया था, और ये कहाँ किया गया है, ये कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय बंगलुरु में किया गया है 107वां। नेत्रेतर दृष्टि, देखिए नेत्रेतर दृष्टि क्या है, यानी नेत्र ना होने के बाद भी जो है अगर देखा जा सकता है, तो इसके विषय में देखिए क्या है चीज। पहली बार शोधकर्ताओं ने पता लगाया है कि आंखें ना होने के बावजूद भंगुर सितारों की एक प्रजाति देख सकती है। ब्रिटिल स्टार्स जो होते हैं उसकी एक प्रजाति है, वो आंखें ना होने के बावजूद भी देख सकती है। समुद्री आर्चिन प्रजातियों के बाद जो है, एक तो समुद्री आर्चिन प्रजाति होती है वो भी देख सकती है, इसके बाद दूसरी जो पता लगी है वो है भंगुर सितारा, एक ऐसा दूसरा समुद्री जीव है जिसमें नेत्रेतर दृष्टि होती है, यानी बिना आंखों के देखने की शक्ति होती है। शोधकर्ता मानते हैं कि समुद्री आर्चिन और भंगुर सितारे जो होते हैं इनके शरीर पर पाई जाने वाली फोटो रिसेप्टर कोशिकाएं, यानी प्रकाश को पहचान सकने वाली कोशिकाएं होती हैं, इस वजह से जो है इनके अंदर ऐसी क्षमता आती है। तो 2 प्रजातियां हैं, समुद्री आर्चिन और लाल भंगुर सितारा, ये 2 प्रजातियां ऐसी हैं समुद्री प्रजातियां जो बिना आंखों के देख सकती हैं। आयरन स्नो, लौह बर्फ, क्या है लौह बर्फ, देखिए JGR सॉलिड अर्थ पत्रिका है, ये पत्रिका का नाम है, उसमें एक प्रकाशित अध्ययन के अनुसार पृथ्वी का जो आंतरिक कोर है वो छोटे लौह कणों से निर्मित बर्फ से बना है। देखिए ये शोध हुआ है कि जो पृथ्वी के अंदर का पार्ट होता है सबसे सेंटर का, उसको कोर कहा जाता है, जो अंदर होता है उसको आंतरिक कोर कहा जाता है, उसके ऊपर बाह्य कोर होता है, तो जो आंतरिक कोर है वो छोटे लौह कणों से निर्मित बर्फ से बना है, ऐसा एक नया शोध हुआ है जिसका घनत्व पृथ्वी की सतह पर मौजूद बर्फ की तुलना में अधिक है। पृथ्वी का जो बाह्य कोर है, बाह्य कोर, उससे जो है लौह बर्फ पिघलकर आंतरिक कोर में जमा हो जाती है और इसकी मोटाई 320 मीटर मानी गई है इनर कोर की। बीबी का मकबरा चर्चा में रहा है न्यूज में, तो देखिए बीबी के मकबरा के विषय में आपको क्या चीजें जान लेनी चाहिए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 17वीं सदी के जो मुगल कालीन स्मारक हैं बीबी का मकबरा, इसके गुंबद और संगमरमर से निर्मित अन्य हिस्सों का वैज्ञानिक संरक्षण करेगा, यानी कि बीबी के मकबरा के गुंबद और उसके अन्य जो संगमरमर से निर्मित पार्ट्स हैं उसका संरक्षण किया जाएगा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा। बीबी का मकबरा क्या है, देखिए ये मकबरा जो है 1660 में औरंगजेब की बेगम दिलरास बानो बेगम या रबिया उद्दौरानी
की याद में बनवाया गया था। इसे दक्कनी ताज या बीबी का मकबरा कहा जाता है। यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और महाराष्ट्र में ये औरंगाबाद में स्थित है बीबी का मकबरा। देखिए इसके निर्माण में जो है संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है। औरंगजेब की बेगम जो थी रबिया उद्दौरानी की याद में जो है जिसको औरंगाबाद जो औरंगजेब के नाम पर ही शहर है औरंगाबाद वहाँ पर महाराष्ट्र राज्य में इसको बनवाया गया था। लामू द्वीप कहाँ पे हैं? देखिए लामू द्वीप जो हैं वो केन्या के पूर्वी तट पर स्थित हैं। केन्या अफ्रीका में है। केन्या के पूर्वी तट यानी हिंद महासागर की तरफ जो है लामू द्वीप जो है वो स्थित हैं। लामू द्वीप क्यों चर्चा में है, क्या है? देखिए लामू द्वीप पर लामू नगर स्वाहिली नगरों के बीच सबसे पुरानी एवं संरक्षित बस्तियों में से एक है। यहाँ जो है ये नगर जो है एक अनोखी एवं दुर्लभ ऐतिहासिक विरासत जो 700 से अधिक वर्षों से स्थापित है वो यहाँ पर स्थित है और इसको मूंगा पत्थर और मैंग्रोव लकड़ी से बनाया गया है। इसे संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। लामू द्वीप, लामू द्वीप पर क्या है, एक बस्ती है, नगर है, वही फेमस है। 700 से अधिक वर्षों से पुराना वो शहर है। सारस MK2, देखिए राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला जो है नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी NAL, इसने जो है सरकार के सारस MK2 को व्यवसायिक रूप से व्यवहारिक बनाने का आग्रह किया है। सारस MK2 क्या है, ये 19 सीटों वाला एक विमान है। देखिए 19 सीटों वाला यानी एक छोटा विमान है। इसे 50 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है और इस रेंज के जो अन्य विमान होते हैं उनकी लागत से ये 20-25% कम है। यानी कम लागत में ही ये 19 सीटों वाला एक विमान बनकर के तैयार हो गया है। तो ये स्वदेशी हल्का परिवहन का विमान है। अगर इसका विकास किया जाता है तो ये फायदेमंद हो सकता है। तो सारस MK2 क्या है, एक छोटा विमान है, ये परिवहन का विमान है और इसको जो है NAL यानी नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी ने विकसित किया है। डिजी लॉकर के संबंध में देखिए क्या न्यूज है, चर्चा में रहा है डिजी लॉकर, तो आप सभी जानते होंगे। देखिए दिल्ली उच्च न्यायालय ने डिजी लॉकर के संचालन से संबंधित जो नियम हैं उसके खिलाफ एक याचिका आई थी। उस याचिका में क्या कहा है कि डिजी लॉकर ऐप जो है उस पर पंजीकृत व्यक्ति की अनुपस्थिति में या उपयोगकर्ता की मृत्यु हो जाने के बाद में जो लॉकर में अपलोड किए गए दस्तावेज हैं वो उनके परिजनों के लिए सुलभ नहीं होंगे बल्कि वे स्वचालित तरीके से सरकार को हस्तांतरित हो जाएंगे। देखिए डिजी लॉकर होता है जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट जो महत्वपूर्ण होते हैं शैक्षिक या अन्य उनको आप स्कैन करके डिजिटल रूप में रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है, ये माना जाता है कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवारिक जन जो है डिजी लॉकर को नहीं खोल पाएंगे, एक्सेस नहीं कर पाएंगे, उन डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। तो इसी संबंध में एक जो है याचिका आई हुई थी तो उसी पर ये उच्च न्यायालय जो दिल्ली का है उसने ये कहा। हालांकि देखिए उत्तराधिकारी नामित करने की जो सुविधा उसमें नहीं होती है ये असंवैधानिक है। हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो डिजी लॉकर के भी उत्तराधिकारी को नामित कर सके। मियावाकी पद्धति, मियावाकी मेथड क्या है, देखिए केरल राज्य में शहरी वनीकरण को बढ़ावा देने के लिए मियावाकी पद्धति को अपनाया गया है। केरल राज्य में जो है जो शहर में वन होते हैं ना, शहर में जो पेड़ लगे होते हैं उनको शहरी वनीकरण होता है, उसको बढ़ावा देने के लिए एक नई पद्धति को जो है प्रयोग करने पर केरल सरकार ने सहमति दी है, मियावाकी पद्धति। ये मियावाकी पद्धति क्या है, देखिए ये पद्धति शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्र में जो खाली पड़ी सरकारी भूमि होती है, सरकारी कार्यालय परिसर, आवासीय परिसर, स्कूल परिसर या बैकयार्ड के छोटे बैकग्राउंड जो जगह होती हैं
वहाँ पर छोटे छोटे बागान लगा करके वनीकरण को बढ़ावा दिया जाता है। यानी जो शहर में छोटी छोटी जगह पड़ी होती हैं खाली सरकारी, वहाँ पर जो है छोटे छोटे बागान लगा करके वनों की प्रतिशत मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। यही पद्धति जो है वो मियावाकी पद्धति कहलाती है। केरल वन विभाग ने राजधानी तिरुवनंतपुरम, वालावत्ती, एनारकुलम में जो है नेदुम्बशेरी और त्रिशूल जिले के मुद्दिकोड में इस विधि को अपनाया है। इन जगहों पर जो है इस तरह की पद्धति को अपनाया गया है। महादेवी वन्य जीव अभ्यारण्य, महादेव जो है महादेवी वन्य जीव अभ्यारण्य, ये गोवा का एक अभ्यारण्य है। ये जो अभ्यारण्य है ये गोवा राज्य के उत्तरी गोवा में स्थित है। ये अभ्यारण्य जो है 208 वर्ग किमी में फैला हुआ एक अभ्यारण्य है गोवा राज्य में, महादेवी वन्य जीव अभ्यारण्य। इसे अंतर्राष्ट्रीय पक्षी क्षेत्र घोषित किया गया है। यानी ये जो गोवा का अभ्यारण्य है महादेवी, इसको अब अंतर्राष्ट्रीय पक्षी क्षेत्र, इंटरनेशनल बर्ड एरिया घोषित कर दिया गया है गोवा में। यहाँ जो है बंगाल टाइगर की उपस्थिति भी है, इसलिए इसको प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत टाइगर रिजर्व भी बनाने का प्रस्ताव दिया गया है कि इसको जो है टाइगर रिजर्व भी बनाया जाना चाहिए। ये जो है महादेवी नदी है जिसको मांडवी नदी के रूप में जाना जाता है, और ये जो है गोवा की जीवन रेखा है। यानी मांडवी नदी जो है वो गोवा की जो है एक प्रमुख नदी है जिसको महादेवी नदी भी कहा जाता है, और उसी के आसपास ये महादेवी वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। ननकाना साहिब, देखिए सिख धर्म के संस्थापक एवं पहले सिख गुरु नानक देव जी का जन्म वर्ष 1469 में ननकाना साहिब में हुआ था। ननकाना साहिब वर्तमान में पाकिस्तान में है, और उस पर देखिए क्या न्यूज है। ननकाना साहिब गुरुद्वारा के विषय में आपको जानना है। देखिए ननकाना साहिब गुरुद्वारा, जिसको गुरुद्वारा जन्म स्थान भी कहा जाता है, उस जगह पर बनाया गया है जहां सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था, और इसका जो निर्माण है वो महाराजा रणजीत सिंह ने करवाया था। तो ये दो तीन चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, आपको इसके विषय में जाननी चाहिए। सी गार्डियंस 2020, देखिए सी गार्डियंस 2020 क्या है, चीन और पाकिस्तान के बीच में नौसेना अभ्यास है। ये पाकिस्तान और चीन के साथ में छठा संयुक्त नौसैनिक अभ्यास, जिसको सी गार्डियंस 2020 कहा गया, ये अभ्यास है। इस नौसैनिक अभ्यास को पहली बार जो है सी गार्डियंस नाम दिया गया है। ये चीन और पाकिस्तान की जो नेवी है उसके बीच में संयुक्त अभ्यास है। सेके भाषा, सेके का अर्थ होता है गोल्डन भाषा, जिसकी उत्पत्ति जो है नेपाल के मस्टंग जिले में हुई थी। सेके भाषा की उत्पत्ति नेपाल के मस्टंग जिले में हुई थी। यह एक अलिखित भाषा है, यानी ये बोली तो जाती है लेकिन इसको लिखा नहीं जाता है। ये नेपाल में तिब्बती सीमा में जो चार पांच गांव हैं वहीं पर जो है ये भाषा बोली जाती है। वो कौन कौन से गांव हैं, चुकसंग, चैले, ग्याकर, तंगबे और तेतांग। ये इन्हीं पांच गांव में, चुकसंग, चैले, ग्याकर, तंगबे और तेतांग, इन्हीं पांच गांव में ये भाषा बोली जाती है, और इन्हीं पांच गांव के लगभग 700 लोग ही पूरे विश्व में इस भाषा को बोल सकते हैं। और यह एक अलिखित भाषा है, यानी कि इसको सिर्फ बोला जाता है, इसकी लिपि नहीं है। सेके भाषा। एपिफेनी त्यौहार, देखिए एपिफेनी त्यौहार जो है वो गोवा और केरल के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। एपिफेनी त्यौहार भारत के कुछ हिस्सों जैसे गोवा और केरल में मनाया जाता है। देखिए एपिफेनी जो त्यौहार है ये गोवा में पुर्तगाली नाम इसका है फेस्टा डॉस रीस, फेस्टा डॉस रीस, और केरल के कुछ हिस्सों में जो है सिरियक और देन्हा नाम से भी इसको जाना जाता है। ये ईसाई धर्म का एक त्यौहार है, और क्रिसमस और ईस्टर के बाद में जो है इसको मनाया जाता है।
सॉरी जो है क्रिसमस और ईस्टर जो है सबसे ज़्यादा मनाया जाने वाला एक ईसाई धर्म का त्यौहार है, और इसके बाद तीसरे नंबर पे जो है वो एपिफेनी त्यौहार जो है, ये सबसे पुराना जो है एक त्यौहार है ईसाई धर्म का। यानी कि ईसाई धर्म के तीन सबसे पुराने त्यौहार हैं जिसमें क्रिसमस और ईस्टर के बाद में एपिफेनी का नंबर आता है। तो एपिफेनी त्यौहार चूँकि ईसाई धर्म से संबंधित है, भारत में बहुत ज़्यादा क्षेत्र में इसको नहीं मनाया जाता है, लेकिन गोवा और केरल में वहाँ पर इस त्यौहार को कुछ क्षेत्रों में मनाते हैं। टाइगर रिजर्व, देखिए गोवा की ये न्यूज है। गोवा के जो है कार्यकर्ताओं और राजनेताओं ने जो है महादेई, अभी जो ऊपर हमने चर्चा किया था गोवा में है महादेई नदी, नेत्रावली और कोटिया गांव वन्य जीव अभ्यारण्यों के लगभग 500 वर्ग किमी क्षेत्र तथा भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य के कुछ हिस्से को टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित करने की मांग की है। देखिए हमने बताया कि वहां पर गोवा में बंगाल टाइगर पाया जाता है, महादेई और इन सब जगहों पर। कौन कौन सी जगहों पर? देखिए महादेई है, नेत्रावली है, कोटगांव है, भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य, ये सब कहाँ हैं? ये सब गोवा में हैं, और ये वही मांडवी और जुआरी नदियों के आसपास सब क्षेत्र में स्थित हैं। तो यहाँ पर चूँकि टाइगर पाया जाता है, तो इसलिए गोवा के जो है कार्यकर्ता और नेता चाहते हैं कि इन सब के थोड़े थोड़े हिस्से जो हैं मिला करके टाइगर रिजर्व के रूप में इसको अधिसूचित किया जाए। देखिए नेत्रावली वन्य जीव अभयारण्य के विषय में जान लेते हैं। नेत्रावली जो है वो पूर्वी गोवा में है, ये जो है सुंगुम तालुका में काली नदी की बेसिन में स्थित है। यानी गोवा में भी एक नदी है छोटी काली नदी, उसी की घाटी में ये जो है नेत्रावली वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। यहाँ पर जो है ब्लैक पैंथर पाया जाता है, और यहाँ पर विशाल काय गिलहरी भी पाई जाती है। विशाल काय गिलहरी आपको नेत्रावली वन्य जीव अभयारण्य में देखने को मिलती है। और भी चीज़ें यहाँ पर हैं। देखिए भगवान महावीर जो वन्य जीव अभयारण्य है, ये अभयारण्य पश्चिमी घाट में है और जैव विविधता की रक्षा के लिए बनाया गया था इसको पश्चिमी घाट में। यहाँ का मुख्य आकर्षण जो है वो दूध सागर जलप्रपात है। दूध सागर जलप्रपात जो है वो मांडवी नदी पर ही स्थित है गोवा में। तो अगर आपसे भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि दूध सागर जलप्रपात किस वन्य जीव अभयारण्य के क्षेत्र में आता है, तो महावीर वन्य जीव अभयारण्य, भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य जो कि गोवा में है, दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर स्थित है। ग्रेट नॉट, ग्रेट नॉट क्या है? ग्रेट नॉट एक अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी पक्षी है। प्रवासी पक्षी यानी एक देश से दूसरे देश में चले जाते हैं प्रजनन के लिए या अन्य कारणों से। तो ये जो ग्रेट नॉट है प्रजनन के लिए उत्तरी गोलार्ध से और दक्षिणी गोलार्ध के मध्य लंबी दूरी तय करता है। प्रजनन के लिए ये बहुत लंबी दूरी तय करता है उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध के मध्य। देखिए सुदूर पूर्वोत्तर रूस यानी लगभग उत्तरी गोलार्ध के पास से तटीय ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पूर्व एशिया, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और पूर्वी अरब प्रायद्वीप में ये दिखाई पड़ते हैं। इसे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN की लाल सूची में लुप्त प्राय श्रेणी में रखा गया है। यानी ये इनडेंजर्ड है, ख़त्म होने वाला है। ग्रेट नॉट, ग्रेट नॉट बहुत लंबी दूरी तय करता है प्रजनन के लिए। विश्व हिंदी दिवस, देखिए हर साल जैसा जानते हैं कि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस जो है मनाया जाता है, वर्ल्ड हिंदी डे। जो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन था वो 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित किया गया था, जहां पर 30 देशों के 122 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2006 में हर वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस जो है मनाने की घोषणा की थी, और तभी से जो है हर साल 10 जनवरी को ये विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2017 में जो है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने पहली बार अच्छा, बड़ा दिन, बच्चा, सूर्य नमस्कार जैसे हिंदी शब्दों को जो है शामिल किया था। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जो है पहली बार अच्छा, बड़ा दिन,
बच्चा और सूर्य नमस्कार जैसे हिंदी शब्द जो है शामिल किए गए थे। देखिए हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई, हिंदी जो है वो मूलतः संस्कृत शब्द जो है वो सिंधु का रूपांतरित रूप है हिंदी। सिंध नदी के आसपास के क्षेत्र को सिंधु नाम से जाना जाता था। ईरानी जो थे, ईरानियों ने भारत में जब प्रवेश किया तो सिंधु शब्द को उन्होंने हिंदू कर दिया, यानी उन्होंने सिंधु को हिंदू कहा और हिंदू जो है बाद में हिंदी बन गया और फिर ये हिंद कहा जाने लगा। यानी कि हिंदी की उत्पत्ति जो है वो सिंधु शब्द से ही हुई है। गौरतलब है कि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस जो है मनाया जाता है और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। चीनी पैडल फिश। साइंस ऑफ द टोटल एनवायरनमेंट पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन में ताजे पानी की सबसे बड़ी मछलियों में एक चीनी पैडल फिश को विलुप्त घोषित कर दिया गया है। यानी चीनी पैडल फिश जो है वो अब विलुप्त हो गई है। चीनी पैडल फिश का पैतृक निवास जो है चीन की यांगजी नदी में था और अंतिम बार इसको उसी नदी में, यांगजी नदी में जो है देखा गया था 2003 में। एक मौजूद प्रजाति इसकी और है जिसको अमेरिकी पैडल फिश कहा जाता है, वो जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के मिसिसिपी नदी में पाई जाती है, लेकिन जो चीन की यांगसी नदी में पाई जाती थी उसको विलुप्त घोषित कर दिया गया है चीनी पैडल फिश को। प्रवासी भारतीय दिवस। देखिए प्रवासी भारतीय दिवस जो है हर वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे, इसीलिए जो है इसको मनाया जाता है। पहला जो प्रवासी भारतीय दिवस है वो 9 जनवरी 2003 को जो है दिल्ली में हुआ था और तभी से जो है ये प्रत्येक वर्ष जो है 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। देखिए कोरोना वायरस, हालांकि कोरोना के विषय में बहुत सारी न्यूज हैं लेकिन थोड़ा सा इसे जान लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार चीन के वुहान में जो है कोरोना का एक जो है नया वायरस का पता चला शुरुआत में, और वहीं से ये बीमारी जो है निमोनिया जैसी बीमारी है, ये यानी सांस से संबंधित है। ये जो कोरोना वायरस है एक विशिष्ट वायरस फैमिली से संबंधित है। इस फैमिली के और भी सदस्य हैं जो सर्दी जुखाम जैसे कुछ श्वास के रोग, आंतों के रोग का कारण बनते हैं, उसी में ये भी आता है कोरोना वायरस। हालांकि कोरोना वायरस पे अभी रिसर्च जारी है और इस डिसीज़ का, कोरोना वायरस की डिसीज़ का भी कोई इलाज भी नहीं मिल पाया है। ये जो है आकार में राजा के मुकुट की तरह दिखता है, इसीलिए इसको कोरोना वायरस कहा गया है। और कोरोना वायरस जो है मनुष्य के अलावा सुअर, मवेशी, बिल्ली, कुत्ता, ऊंट, हाथी इत्यादि स्तनधारियों में भी हो जाता है। कन्नुम पोंगल। कन्नुम पोंगल क्या है, देखिए कन्नुम पोंगल जो है एक उत्सव है, तमिलनाडु के सलेम जिले में प्रतिवर्ष आयोजित होता है कन्नुम पोंगल। जैसे जल्लीकट्टू होता है, जल्लीकट्टू, जल्लीकट्टू में बैल का इस्तेमाल किया जाता है, और ये जो कन्नुम पोंगल है इसमें एक लोमड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, भारतीय लोमड़ी। तो उसी के जैसा ये भी एक त्यौहार है, इसमें जो है बैल की जगह लोमड़ी का प्रयोग किया जाता है। कन्नुम पोंगल का आयोजन जो है इस मान्यता से किया जाता है कि इससे जो है भरपूर वर्षा प्राप्त होगी, यानी बारिश होगी। भारतीय लोमड़ी को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत जो है संरक्षित प्रजाति घोषित किया गया है और इसका जो है शिकार करना प्रतिबंधित है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, बुलपेस बेंगालेरिस, और IUCN की रेड लिस्ट में बहुत कम संकट वाली श्रेणी में इसको रखा गया है, यानी भरपूर मात्रा में ये पाई जाती है। पोंगल त्यौहार जो है 4 दिनों तक चलता है ये तमिलनाडु में, और फसल कटाई का एक उत्सव है। मगर क्रोकोडाइल पेलोस्ट्रिस। देखिए वार्षिक मगरमच्छ जनगणना के अनुसार ओडिशा के गंजम जिले में जो है घोड़हाड़ा जलाशय है, वहाँ पर घोड़हाड़ा जलाशय और उसके आसपास के क्षेत्र में जो मगर हैं, क्रोकोडाइल हैं, उनकी संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
देखिए, मगर जो होते हैं वो अधिकतर ताजे पानी में रहते हैं, ताजे पानी की नदियों में, झीलों में पाए जाते हैं, तालाबों वगैरह में, और कुछ जो है खारे पानी वाली जो लैगून वगैरह हैं वहाँ भी रह सकते हैं। उड़ीसा में पाए जाने वाली 3 मगरमच्छ की प्रजातियाँ हैं। इनमें से 2 जो है सतकोसिया के घड़ियाल और भितरकनिका के खारी पानी के मगर हैं, और तीसरा जो है ये है जो घोड़हाड़ा जलाशय में जो है जिसकी जनसंख्या में वृद्धि हुई है। इसको जो है IUCN की रेड लिस्ट में सुभेद्य की श्रेणी में रखा गया है। ये घोड़हाड़ा जलाशय क्या है? देखिए, घोड़हाड़ा जो जलाशय है वो उड़ीसा में है और ये लखारी घाटी अभ्यारण्य के पास में स्थित है और पूर्वी जो घाट है उसी का एक हिस्सा है। एक नदी है इसी नाम से, घोड़हाड़ा नदी, उसी से जो है ये पानी इसको प्राप्त होता है, घोड़हाड़ा नदी। और ये घोड़हाड़ा नदी जो है वो ऋषिकुल्या नदी की सहायक नदी है। ऋषिकुल्या नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है उड़ीसा से निकल करके, तो उसी की सहायक नदी है घोड़हाड़ा नदी, ये इस जलाशय में जाती है। राष्ट्रीय युवा दिवस 2020, देखिए नेशनल यूथ डे 2020 जो है वो 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो मनाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य जो है देश का भविष्य माने जाने वाले युवाओं को तर्कसंगत सोच को बढ़ावा देने के लिए किया गया। गौतम बुद्ध की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति, देखिए गुजरात के साबरकंठा जिले के जो है देवानीमोरी में चीन के स्प्रिंग टेंपल के बाद में गौतम बुद्ध की विश्व की सबसे ऊंची दूसरी मूर्ति बनाने का प्रस्ताव किया गया है। यानी कि चीन में जो है स्प्रिंग टेंपल में 153 मीटर की मूर्ति जो है गौतम बुद्ध की लगी हुई है, उसके बाद में ये गुजरात के जो है साबरकंठा ज़िले में देवनी मोरी में जो है लगाई जाएगी मूर्ति 108 मीटर की, जो सेकंड पर होगी। देखिए जो देवनी मोरी है वो उसकी खुदाई 1953 में पुरातत्व विभाग के द्वारा की गई थी। ये देवनी मोरी जो है 3री-4थी सदी में संबंधित बौद्ध मठ के अवशेषों का यहाँ पर जो है पता चला था, यानी बुद्ध से संबंधित ये क्षेत्र है। यहाँ पर 1700 वर्ष पुराना एक ताबूत मिला था जिसमें बुद्ध के अवशेष पाए गए हैं, तो इसी स्थान पर जो है ये मूर्ति लगाने का विचार चल रहा है। भील जनजाति, देखिए मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित एक परीक्षा में भील जनजाति की आपराधिक प्रवृत्ति के बारे में पूछे गए प्रश्नों पर विभागीय जांच शुरू करने का आदेश दिया है। इस वजह से भील जनजाति जो है वो चर्चा में है। भील का अर्थ होता है धनुषधारी। यह जाति जो है वो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति की है। इसका कद होता है छोटा, मध्यम आँखें जो होते हैं और जबड़ा कुछ बाहर निकला हुआ होता है जो है। ये सामान्यतः कृषक हैं और संयुक्त परिवार में रहने वाली ये प्रजाति है। ये जो भारत में गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान के क्षेत्रों में, सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जो है ये, कुछ त्रिपुरा में भी पाई जाती है, और राजस्थान की ये दूसरी सबसे प्रमुख जनजाति है भील जनजाति। और इसी भील जनजाति से संबंधित एक प्रश्न आया था मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में, जिसकी जाँच की जा रही है। भारतीय फसल कटाई त्यौहार, देखिए भारत में फसल कटाई त्यौहार के कई उदाहरण हैं, जैसे मकर संक्रांति, लोहड़ी, पोंगल, भुगली, बिहू, उत्तरायण एवं पौष पर्व जैसे जो है तमाम मनाए जाते हैं फसल कटाई के त्यौहार। देखिए मकर संक्रांति के विषय में जानते हैं। मकर संक्रांति एक हिंदी त्यौहार है, हिंदुओं में मनाया जाता है, और ये सूर्य को आभार प्रकट करने के लिए ये समर्पित है त्यौहार। इस दिन लोग अपने प्रचुर संसाधनों और फसल की अच्छी उपज के लिए प्रकृति को धन्यवाद देते हैं, और ये त्यौहार जो है सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने को दर्शाता है। इसे भारत के कई राज्यों में जैसे उड़ीसा, महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कई उत्तर भारत के क्षेत्रों में भी मनाया जाता है, और अलग अलग क्षेत्रों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे गुजरात में इसको उत्तरायण कहते हैं, तमिलनाडु में पोंगल, असम में जो है भोगली बिहू,
लोहड़ी कहा जाता है पंजाब जम्मू कश्मीर में, माघी कहा जाता है हिमाचल प्रदेश हरियाणा में, कर्नाटक में मकर संक्रमणा, कश्मीर में सायन करात और उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड में इसको खिचड़ी पर्व कहा जाता है। ये सभी मकर संक्रांति जो है वो फसल कटाई के त्यौहार हैं। देखिए ग्रीष्म अयनांत और शीत अयनांत क्या होता है, यानी समर सोलिस्टिस क्या है। जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है तो इस स्थिति को ग्रीष्म अयनांत कहते हैं, यानी 21 मार्च के बाद जो है सूर्य उत्तरायण होने लगता है तथा उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि बढ़ने लगती है, जिससे वहाँ पर ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है। शीत अयनांत क्या है, जब सूर्य मकर रेखा के ऊपर लंबवत चमकता है तो इसे शीत अयनांत कहा जाता है। इस समय जो है दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि लंबी होती है, रातें छोटी होती हैं और सूर्य के दक्षिणायन होने की प्रक्रिया 23 सितंबर के बाद प्रारंभ हो जाती है। डिएगो, हाल ही में डिएगो नामक विशालकाय कछुए को इक्वाडोर के गैलापागोस नेशनल पार्क के कैप्टिव प्रजनन कार्यक्रम से अवकाश दे दिया गया है। देखिए गैलापागोस जो नेशनल पार्क है वहाँ पर एक कछुआ था जिसको कैप्टिव प्रजनन कार्यक्रम के लिए रखा गया था, वो जो है विशाल का एक कछुआ था, इसको छुट्टी दे दी गई है। ये इक्वाडोर का जो है नेशनल पार्क है। देखिए जो डिएगो को जो है एस्पानाला द्वीप पर वापस लौटा दिया गया है, जहाँ से इसको लगभग 80 वर्ष पहले लाया गया था प्रजनन के दृष्टिकोण से। डिएगो का वैज्ञानिक नाम है चेलोनोइडिस हुंडेसिस। डिएगो की उम्र जो है 100 वर्ष है और इसे वर्ष 1976 में प्रजनन कार्यक्रम में शामिल किया गया था। तब से जो है कछुओं की आबादी बढ़कर 15 से 2000 वापस हो गई है और अब इसको छोड़ दिया गया है। ये IUCN की गंभीर संकट वाली श्रेणी में इसको रखा गया था। द्वीप विकास एजेंसी, देखिए हाल ही में द्वीप विकास एजेंसी की 6th बैठक आयोजित की गई है नई दिल्ली में। इस बैठक में द्वीपों का समग्र विकास कार्यक्रम के तहत हुई प्रगति की समीक्षा की गई है। केंद्र सरकार ने भारतीय द्वीपों को विकसित करने के लिए 1 जून 2017 को द्वीप विकास एजेंसी का गठन किया था। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा की जाती है।